प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संत मरिया फौस्तिना क्वालस्का का पर्व मनाते हैं, जो ईश्वर की दया की प्रेरक रही हैं। उन्होंने अपने दिव्य करुणा के दर्शन में यीशु को देखा और उन्होंने करुणा माला या दया की माला विनती की भक्ति को जोर दिया। ईश्वर हर व्यक्ति को अपनी करुणा, दया और अनुग्रह से भरना चाहता है। संत फौस्तिना का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की असीम करुणा हमारे जीवन के हर पहलू में विद्यमान है। हमें भी इस दया के संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जब दुख, कठिनाई, असफलता, बीमारी, अपनों की मृत्यु और चुनौतियों से गुजरते हैं, तो बहुत बार हम टूट जाते हैं। जीवन हमें अंधकार में लगने लगता है, खुद से और ईश्वर से हम दूर होने लगते हैं। लेकिन आज का पहला पाठ हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयां हमें ईश्वर की ओर अधिक निकट ला सकते हैं। अय्यूब, जो अपने समय के सबसे समृद्ध और न्याय व्यक्ति थे, जब उन्होंने सब कुछ खो दिया, तब उन्होंने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। अय्यूब ने अपने जीवन के कष्टों और परेशानियों के बाद ईश्वर की योजना को समझा। अय्यूब कहता है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 वचन संख्या 5, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। यह वाक्य हमें उस गहरे विश्वास की याद दिलाता है जो समय और अनुभव के साथ विकसित होता है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अय्यूब का ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह धैर्यवान था, उसका प्रभु पर प्रगाढ़ विश्वास और भरोसा था। कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति एवं इच्छा को स्वीकार किया। उसी का परिणाम यह हुआ कि अय्यूब को ईश्वर भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। अय्यूब की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष हमें ईश्वर के साथ हमारे संबंध को और अधिक मजबूत करती हैं। उनके जीवन की परीक्षा हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर की योजनाएं कभी कभी हमारे समझ से परे होती हैं, लेकिन जब हम धैर्य और विश्वास से अपने जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं, तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि उन्होंने अय्यूब के साथ किया। संत लूकस के सुसमाचार में देखते हैं कि जब शिष्य यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को वश में करने में सक्षम होते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं। लेकिन यीशु उन्हें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि वे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखते हैं, बल्कि इस बात में है कि उनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली खुशी और शांति तब आती है जब हम ईश्वर के प्रेम और उनके अनुग्रह में अपनी जगह को पहचानते हैं। हमें भी अपने जीवन की सफलताओं से अधिक उस अनंत जीवन की ओर देखना चाहिए जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आज के सुसमाचार से यह भी सीख मिलती है कि हमें बाह्य सफलता के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के अदृश्य राज्य के लिए कार्य करना तथा व्यक्ति में बाल सुलभ हृदय होना, जो प्रभु से आने वाली बुद्धि और प्रज्ञा को ग्रहण करने के लिए योग्य बन सके। संत मरिया फौस्तिना के जीवन से भी यही संदेश मिलता है। हमारे विश्वास का केंद्र ईश्वर की असीम करुणा है, जैसा कि अय्यूब ने अपने कष्टों में ईश्वर की योजना को पहचाना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उनकी करुणा और अनुग्रह को पहचानने की आवश्यकता है। आइए हम सब इस पर्व पर संत मरिया फौस्तिना के उदाहरण का अनुकरण करें और ईश्वर की करुणा का अनुभव करते हुए उसे अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें। आमीन।